सब्सक्राइब वाइस वर्ड प्रेस गुरु। हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ अनिल शर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल वाइस वर्ड प्रेस गुरु पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फोलिंक्स एड्स। इन्फोलिंक एड्स के कई फॉर्मेट हैं दोस्तों, कई टाइप्स हैं, ठीक है, मीन्स की कई फॉर्मेट हैं और उन फॉर्मेट के जरिए आप उसको अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं अपनी साइट पे और ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो ये मतलब कितने किस किस तरह के टाइप्स और फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस किस तरह के एड फॉर्मेट्स जो है इन्फोलिंक में अवेलेबल है और किस किस तरह से वो आपको आपकी साइट पे दिखाई देंगे और उनमें से कौन से आपको ज्यादा यूज करने चाहिए जो कि आपके लिए बेटर हो आपकी साइट के हिसाब से भी और रेवेन्यू जनरेशन के हिसाब से भी। तो इस पे बात करेंगे कि इन्फोलिंक्स एड्स के फॉर्मेट्स के बारे में या उनके टाइप्स के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, तो सीधा टॉपिक पे चलते हैं। इन्फोलिंक जो है दोस्तों वो आपको पांच तरह के एड टाइप्स या एड फॉर्मेट्स प्रोवाइड करता है, वो है इन टेक्स्ट एड्स, इन फोल्ड एड्स, इन टैग एड्स, इन फ्रेम एड्स, इन आर्टिकल एड्स। तो ये पांच तरह के टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स जो है इन्फोलिंक आपको प्रोवाइड करता है। दोस्तों, अब हम अपने इन्फोलिंक अकाउंट के कस्टमाइज सेक्शन में हैं। यहाँ पर ये पांच एड फॉर्मेट्स जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, जिनके बारे में आपको बताया, इन टेक्स्ट, इन फोल्ड, इन टैग और इन फ्रेम और इन आर्टिकल। ठीक है, तो ये पांच एड टाइप्स या फॉर्मेट हैं इन्फोलिंक के, जिनके जरिए आप अपनी साइट पे अलग अलग तरीके से इनकी इसकी एड को दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी इसमें मैं इंटीग्रेशन नहीं बताऊंगा आपको, क्योंकि इंटीग्रेशन मैं अलग वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे इन्फोलिंक की एड्स को जो है अपनी वेबसाइट पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं इस वीडियो में सिर्फ एड टाइप्स के बारे में ही कवर करूंगा और उनके बारे में दिखाऊंगा कि वो किस तरह से मतलब डिस्प्ले होंगे और अपनी साइट पे भी आपको चेक कराऊंगा कि किस तरह से दिखेंगे ये लगने के बाद। तो एड टाइप्स और उनके किस तरह से वो दिखेंगे, तो यही मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। तो जैसे कि आपने ये देख रहे हैं कि पांच टाइप के एड टाइप्स हैं। ठीक है, और इसमें जैसे मान लीजिए इन टेक्स्ट है, ये कैसे दिखेगा इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे कोई आपका मान लीजिए पेज है, यहाँ पे डेमो दिखा रहा है, ये पेज है, उसके ऊपर अगर आप इसको ऐड करते हैं इन टेक्स्ट ऐड को, तो क्या होगा कि जो भी आपका मतलब पेज का टेक्स्ट होगा उसके बीच में जाकर बीच बीच में इस तरह के लिंक बन जाएंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं कि मतलब आप इसको कम ज्यादा कर सकते हैं, मैक्सिमम 12 लिंक डिस्प्ले होंगे या फिर एक दो भी आप कर सकते हैं, वो अपनी सुविधा के हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मतलब टेक्स्ट के बीच में ये मतलब लिंक्स ऐड होंगे, तो इसे इन टेक्स्ट ऐड कहेंगे। और इन फोल्ड ऐड जो है, जैसे ही कोई पेज लोड करेगा आपका, वैसे ही मतलब इन फोल्ड ऐड जो है यहाँ पर डिस्प्ले होगी। ये लेफ्ट, मिडल और राइट से आप इसको मतलब सेट कर सकते हैं। ज्यादातर ये मिडल ऑफ द फूटर से मतलब डिस्प्ले होती है जैसे ही कोई पेज लोड करता है। ठीक है, तो उसे ये एड मिडल ऑफ द फूटर से मतलब दिखेगी निकलती हुई, साइज होती हुई। ठीक है, तो ये इस तरह से आएगी, तो इसे इन फोल्ड एड कहेंगे। और एक है इन टैग एड। इन टैग एड जो है वो इस तरह से दिखेगी, जैसे आपका कोई पेज है, पेज का मतलब जो भी है कंटेंट है आपका, और आपका पेज है, पेज के टॉप में या एंड में इस तरह से ये आपको इसको लगा सकते हैं। ठीक है, आप इसको ऑटोमेटिक भी लगा सकते हैं यहाँ से और मैनुअली भी। मैं सुजेस्ट करूंगा कि मैनुअली लगाएं, ताकि अगर आपका पेज लंबा है तो आप मिडल में भी उसको लगा सकते हैं, मतलब टॉप में भी लगा सकते हैं, एंड में भी लगा सकते हैं और अपने पेज के मिडल में भी इसको ऐड कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें मतलब आप मैनुअली अगर इसको करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इंटीग्रेशन भी करके दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको सिर्फ एड टाइप्स के बारे में बता रहा हूँ। तो इस तरह से दिखेगा पेज के टॉप और एंड में और मिडल में, आप जहां भी आपका टेक्स्ट है, जहां भी आपने कोई आर्टिकल लिखा है उसमें आप लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दिखेगा, तो इसे इन टैग एड फॉर्मेट कहेंगे। इसके बाद है इन फ्रेम। इन फ्रेम इस तरह से आएगा, जैसे यहाँ से आ रहा है, जैसे आपका पेज खुलेगा तो दोनों साइड से फ्रेम्स आएंगी। ठीक है, और इसे इन फ्रेम मतलब एड टाइप कहेंगे हम। ठीक है, इसमें मतलब बीच में कुछ नहीं आएगा, लेकिन फ्रेम्स दोनों साइड से आएंगी, मतलब राइट और लेफ्ट से आएंगी। ठीक है, और दोनों साइड से फ्रेम्स आएंगी और बीच में आपका टेक्स्ट या जो भी आपके वेबसाइट का जो बॉडी पार्ट होगा वो होगा, तो इसे इन फ्रेम एड टाइप कहेंगे हम यहाँ पे। फिर है इन आर्टिकल एड फॉर्मेट। ठीक है, इन आर्टिकल एड फॉर्मेट में क्या है दोस्तों, कि जैसे कि मान लीजिए ये है,
इसमें यहाँ पे आपको डेमो भी दिखा रहा है, जैसे ये आपका कोई पेज है, आर्टिकल है, और आर्टिकल के बीच में यहाँ पर जो है ऐड को डिस्प्ले करेगा ये, ठीक है। तो ये इन आर्टिकल ऐड फॉर्मेट है इसका। तो इस तरह से ये पांच ऐड फॉर्मेट्स हैं, और इन पांच ऐड फॉर्मेट्स को जो है आप अपनी साइट पे अलग अलग तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक है। इन टेक्स्ट मैंने आपको बताया, इन फोल्ड, इन टैग, इन फ्रेम और इन आर्टिकल, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब पांच तरीकों से आप इसको अपनी साइट पे डिस्प्ले कर सकते हैं। इसका मैंने थोड़ा सा डेमो दिखाया आप। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं इन ऐड फॉर्मेट्स या टाइप्स के एग्जाम्पल, हाउ दीज आर डिस्प्लेड ओवर एनी साइट और ब्लॉग, किस तरह से इन्फो लिंक की एड्स या ये ऐड फॉर्मेट्स किसी भी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे कैसे नजर आते हैं। मैंने अपनी दो तीन वेबसाइट्स में इनको ऐड किया है, वहां मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से ये साइट या ब्लॉग पे ये ऐड फॉर्मेट्स डिस्प्ले होते हैं। दोस्तों ये पांचों जो ऐड फॉर्मेट्स हैं मैंने अपनी वेबसाइट पे लगा रखे हैं, दो तीन वेबसाइट्स पे। तो इनको मैं आपको जो है दिखाने जा रहा हूँ कि ये वेबसाइट पे लगेंगे तो किस तरह से दिखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे इन टैग जो है हमारा जो ऐड फॉर्मेट है, वो मैंने आपको बताया कि पेज के टॉप और एंड में मैंने लगाया हुआ है, ये इन टैग ऐड है। और ये इन टेक्स्ट एड है, जैसे कि ये पूरा आर्टिकल है और आर्टिकल के बीच में जैसे यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर ये लिंक्स दिखाई दे रहे हैं। इनको आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने इन्फो लिंक अकाउंट से कि कम ज़्यादा भी दिखा सकते हैं। कहीं दो ही लिंक अगर आपको शो करने हैं, दो है, मैंने चार पांच किए हैं, मैक्सिमम आप 12 जो है मतलब यहाँ पर लिंक शो कर सकते हैं एक आर्टिकल में। लेकिन आर्टिकल की लेंथ जरूर देख लीजिए, अगर लेंथ बहुत बड़ी है तो आप 12 भी कर सकते हैं। जैसे इसकी लेंथ 500 या 600 वर्ड की है तो नेचुरली इसमें आप दो या चार लिंक ही सेट करें। तो वो मैं आपको इंटीग्रेशन के वीडियो में बताऊंगा कि कैसे करेंगे, लेकिन इसे हम इन टेक्स्ट ऐड कहेंगे, ठीक है। ये इन टेक्स्ट ऐड का मतलब जो है इसमें लगी हुई है, और ये है इन टैग, ठीक है। और इस तरह से ये इन आर्टिकल ऐड है, जब आप मतलब इन आर्टिकल फॉर्मेट अपनी साइट में लगाएंगे तो इस तरह से ये मतलब जो है इन आर्टिकल आएगी, मतलब ये इसमें ये आपके आर्टिकल के बीच में कहीं भी दिखाई देगी। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि आपका आर्टिकल है, जब आप उसमें इन टैग ऐड को इन आर्टिकल ऐड को जो है ऐड करेंगे तो वो आर्टिकल के बीच में कहीं आ सकती है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीन टाइप की एड्स इस पेज पे लगी हुई हैं, इन टैग, इन टेक्स्ट और इन आर्टिकल। तो इन आर्टिकल ऐड इस तरह से दिखाई देगी, और इन टेक्स्ट इस तरह से, और इन टैग इस तरह से, ठीक है। अभी दो फॉर्मेट और बचते हैं कि वो ऐड लगने के बाद किस तरह से दिखाई देंगे। तो दूसरा जो ऐड फॉर्मेट, सॉरी तीसरा, तीन हमने बता दिए, चौथा जो ऐड फॉर्मेट है वो है इन फोल्ड, ठीक है। तो इस तरह से आएगा, जैसे आपका पेज है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे, हम इसको रिफ्रेश कर देते हैं, तो इस तरह से जब भी आपके कोई पेज पे आएगा या होगा तो यहाँ से नीचे से ये ऐड निकल कर आएगी, मतलब ज़्यादातर सेंटर, फूटर सेंटर से आती है ये, ठीक है। मतलब तो यहाँ पर ये इन फोल्ड ऐड है, ठीक है। तो ये इन फोल्ड ऐड फॉर्मेट है जो कि इस तरह से दिखाई देगा और इस तरह से वर्क करेगा। अब पांचवा ऐड फॉर्मेट था इन फ्रेम, ठीक है। जैसे यहाँ पर है, ये इन फ्रेम है, जैसे यहाँ पे हम जैसे ही कोई भी आपका पेज लोड करेगा तो इस तरह से ये इन फ्रेम आएगा, ये मतलब राइट और लेफ्ट साइड से आएगा, ठीक है, ना कि फूटर से आएगा। तो ये इन फ्रेम ऐड फॉर्मेट है, लेकिन मैं इस ऐड फॉर्मेट को ज़्यादा अच्छा नहीं मानता हूँ, क्योंकि इससे आपकी साइट का जो डिज़ाइन है वो बिगड़ जाता है। तो यदि आपकी साइट जो है मतलब उसकी विड्थ जो है एक लिमिटेशन में है और साइड में जगह है तो ये ऐड फॉर्मेट आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपकी मतलब जो साइट की विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब स्क्रीन पे यानी फुल स्क्रीन आपने ली है जिस तरह से ये साइट है, तो इससे आपकी जो है मतलब साइट का, जैसे मान लीजिए ये कंटेंट दब रहे हैं, तो इन फ्रेम ऐड अगर मतलब कई जगह ऐसा होता है कि जो आपकी साइट होती है उसका जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी, बाकी साइड में जगह है आपके यानी कि उसकी विड्थ कम है, तो नेचुरली वहाँ पे आप इसको लगा सकते हैं। वैसे इसको लगाने से आपका फॉर्मेट ज़्यादातर बिगड़ता है, मैंने ऐसा देखा है, तो आप इसे देख लें। वैसे ये भी अच्छा एक ऐड फॉर्मेट है, लेकिन इसको आप अपनी सुविधा के अनुसार
मतलब जो है यूज कर सकते हैं, बट इस तरह से ये दिखाई देगा। मैंने आपको बताने के लिए कि मतलब ये जो एड फॉर्मेट्स के बारे में मैंने आपको बताया, फिर थोड़ा सा डेमो दिखाया, और अब मैंने आपको बताया कि साइट पर लगने के बाद ये किस तरह से दिखेंगे और किस तरह से मतलब जो है ये डिस्प्ले होंगे आपके यूजर्स को या जो भी मतलब आपके व्यूअर्स हैं, ऑडियंस हैं। ठीक है, तो मैंने पांचों एड टाइप्स को आपको मतलब दिखाया कि किस तरह से ये डिस्प्ले होंगे लगने के बाद। दोस्तों अभी हमने बात की इन्फोलिंक के पांच एड टाइप्स या फॉर्मेट्स के बारे में, तो मतलब मैंने उनका थोड़ा डेमो भी दिखाया आपको। अब सवाल है कि विच टाइप्स ऑफ एड्स आर गुड फॉर यू इन माय ओपिनियन, मतलब मेरी राय में आपके लिए कौन कौन से एड टाइप्स या फॉर्मेट्स हैं इसमें से जो कि आपको ट्राई करने चाहिए। ठीक है, वैसे तो चलो इन्फोलिंक ने आपको पांच तरह के एड टाइप्स या फॉर्मेट्स ऑफर किए हैं, तो नेचुरली उसने भी रिसर्च किया होगा, उसने भी सोच कर ही दिए होंगे क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है। लेकिन मेरी राय में कौन से बेस्ट हैं, क्योंकि मैंने अपने अनुभव से जिनको यूज किया और मुझे लगा कि वो ज्यादा बेटर हैं, और तो वो इसमें से कौन से हैं उसके ऊपर मैं थोड़ी सी अपनी राय देना चाहूंगा। बाकी आप सभी ऐड फॉर्मेट्स यूज कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार और अपनी जरूरतों के हिसाब से, या आपको जो सही लगता है वो आप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ कि कौन से टाइप हैं जिनको जो मुझे लगता है या और उसमें से मैंने यूज भी किए हैं और मुझे लगता है कि वो ज्यादा अच्छे हैं आपके लिए और अच्छा आपको मतलब बेनिफिट दे सकते हैं। तो सीधा उन पर चलते हैं कि कौन कौन से वो ऐड टाइप हैं। दोस्तों वैसे पांच टाइप के ऐड फॉर्मेट्स हैं, उनको आप सभी को ट्राई कर सकते हैं जैसा कि मैंने बताया आपको, लेकिन उसमें से चार को मैं रिकमेंड करूंगा। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला इन टेक्स्ट है, दूसरा इन टैग है, तीसरा इन फोल्ड है और चौथा इन आर्टिकल है। इन फ्रेम को मैं थोड़ा सा मतलब यहाँ पे आपको कहूंगा कि ना लगाएं, क्योंकि कई बार जो आपकी वेबसाइट होती है उसका डिजाइन जो है, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले क्लियर किया कि मतलब आपकी साइट की विड्थ कई बार कम होती है तो वो ठीक लगता है, अगर विड्थ थोड़ी ज्यादा है यानी कि आपने पूरे मतलब काफी मतलब पूरी वेबसाइट को की विड्थ ज्यादा है आपकी, तो नेचुरली है कि वो उसका फॉर्मेट जो है बिगड़ जाता है। सबसे पहले तो वो होता है, दूसरे मतलब इसमें से ज्यादातर इन टेक्स्ट और इन टैग ऐड जो या इन आर्टिकल ऐड जो आप ज्यादा यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। इनफोल्ड में भी मैं ये कहूंगा कि इनफोल्ड या इन फ्रेम में, इनफोल्ड आप यूज कर सकते हैं बट इन फ्रेम या इनफोल्ड में होता क्या है कि इससे थोड़ा सा मतलब जैसे पॉप अप स्ट्राइप्स ऐड आएंगी, तो अगर आपको लगता है कि लगानी है तो लगा सकते हैं, लेकिन पॉपअप को मैं कम से कम रिकमेंड करूंगा यहाँ पे। लेकिन इन फोल्ड आप लगा सकते हैं, लेकिन इन फ्रेम को थोड़ा सा मैं कहूंगा क्योंकि वो आपके डिजाइन पे भी गलत असर डाल सकता है, और साथ में मतलब पॉपअप एड्स जो है वो थोड़ा मतलब मैं कहूंगा कि मतलब उन्हें थोड़ा हमें अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो इन टेक्स्ट, इन टैग और इन आर्टिकल, इन तीन एड टाइप्स को आपको स्पेशली यूज करना चाहिए, वो बहुत सही है आपके लिए और काफी अच्छा एड रेवेन्यू इससे जनरेट होगा। बाकी इन फोल्ड भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन इन फ्रेम को मैं थोड़ा सा इनकार करूंगा, जैसे कि वो आपकी साइट के डिजाइन को कई बार, मैं ये नहीं कहूंगा कि हर बार बिगाड़ देता है, लेकिन वो आपकी साइट का मतलब जो विड्थ होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। यदि विड्थ कम है तो वो भी आपके लिए सही है, बट विड्थ ज्यादा है तो वो सही नहीं है, वो आपके साइट के डिजाइन को बिगाड़ देगा। साथ में मैं ये कहूंगा कि पॉपअप एड्स को या पॉपअप टाइप जो मतलब आती हैं एड्स हमारी, जैसे इन फ्रेम में या इन फोल्ड में, जैसे कि मैंने आपको डेमो में दिखाया, तो उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। बट इन फ्रेम को मैं स्पेशली कहूंगा कि आप ज्यादा यूज ना करें, तो कोई आई होप कि ये ज्यादा मुझे बेस्ट नहीं लगा, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप कर सकते हैं, और आपकी साइट पे अगर परफेक्ट वो डिस्प्ले हो रहा है अच्छे से तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, वो आपकी मतलब अपनी मर्जी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्पेशली मैं रिकमेंड करूंगा इन टेक्स्ट, इन टैग और इन आर्टिकल एड। बाकी इसके अलावा इन फोल्ड को भी आप ले सकते हैं, मतलब मैं कहूंगा कि ले सकते हैं, ठीक है, ये भी अच्छा है, लेकिन इन फ्रेम को मैं थोड़ा सा अपने नजर में, अपने ओपिनियन में थोड़ा रिजेक्ट करूंगा, और इन फोल्ड को भी कम से कम यूज करें, और इन टेक्स्ट, इन टैग और इन आर्टिकल ज्यादा यूज करें। ये आपका अच्छा एड रेवेन्यू जनरेट करने में मदद करेंगे और आपके साइट के फॉर्मेट को भी सही रखेंगे और यूजर एक्सपीरियंस को भी मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रखेंगे। बाकी इन फोल्ड भी आप यूज कर सकते हैं, बाकी इन फ्रेम को जो है आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें। ठीक है, ये मेरी राय है, बाकी आप अपने हिसाब से जो चाहे कर सकते हैं, लगा सकते हैं यदि आपको लगता है कि वो सही है और सही तरीके से वहां पे डिस्प्ले हो रहा है आपके साइट के साथ, ठीक उसकी मैचिंग हो रही है, तो
आप उसको भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन्फोलिंग ने जो भी बनाया सोच विचार कर ही बनाया होगा, लेकिन फिर भी चलो कई चीजों में थोड़ी मतलब हमारी राय में हमें लगता है कि इसमें कमी है, तो हमने कह दिया अपना ओपिनियन कहा है, बाकी आप सभी यूज कर सकते हैं और सभी यूज करने के लिए है। लेकिन इन टेक्स्ट, इन टैग और इन आर्टिकल स्पेशली यूज करें, और साथ में अगर आप चाहते हैं तो इनफोल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन इन फ्रेम को अवॉइड करें। ठीक है दोस्तों, इससे आपका एड रेवेन्यू अच्छा जनरेट होगा और आपका अच्छा यूजर एक्सपीरियंस होगा, आपके यूजर को भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि बहुत सारी एड्स बाहर कहीं से निकलेंगी तो नेचुरली थोड़ी दिक्कत होगी। तो इन टेक्स्ट, इन टैग और इन आर्टिकल सबसे बेस्ट जो है सोर्स है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा मेरा ओपिनियन। दोस्तों इस वीडियो में मैंने इन्फोलिंक एड टाइप्स या फॉर्मेट्स के बारे में आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के अपडेट मिलते रहें या नोटिफिकेशन मिलती रहें टाइम टू टाइम। तो बाकी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, ये हमें मोटिवेशन देगा और काम करने के लिए। ठीक है, और प्लीज कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, और इसी के साथ थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स। सब्सक्राइब वॉइस वर्ड प्रेस गुरु।